में आतंकी हमले से शहीद जवान जो महेश कुमार यादव के घर इस समय हम लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का जो जिस तरह से उनके घर में पूरी तरीके से जो मातम छाया हुआ है, जो दुख की एक लहर भई है, वो बहुत ही दर्दनाक एक हादसे में जिसमें हम उनके चाचा जी से बात करेंगे, हम उनके साथ हैं, आज पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है जिस तरह से ये आतंकियों ने उनके साथ, तो हम जानेंगे कि कब वो आए थे। सर हाँ छुट्टी में आए थे तो सोमवार को, मतलब कि गए हम तो मतलब सर फाफा मऊ में रहते हैं सर, मतलब कि हमसे 2-3 दिन पहले बात हुई थी, उसके पहले मतलब कि बात नहीं हुई। हमको सुबह व्हाट्सएप पे खबर मिली थी करीब 3-4 बजे। कितने दिन हो गए छुट्टी से गए? लगभग सोमवार को गए तो मतलब ये पिछले सोमवार जो बीत गया? नहीं नहीं ये सोमवार अभी जो गई है। हाँ मतलब कि ये सोमवार को मतलब कि छुट्टी में आए थे। और क्या कहें सर, हम जो है जो शुक्रवार को आए, बुधवार को आए। कितने उनकी कितने बच्चे हैं? दो बच्चे, उनके दो बच्चे, ये दोनों बच्चे हैं उनके। परिवार में कितने लोग हैं उनका? मतलब कि महेश कुमार दो भाई थे, एक मतलब कि हमारे पिताजी मतलब कि बीमार थे तो उनको इलाज के लिए बॉम्बे लेके गया है। अभी वो भी सारा ज़्यादातर हमारी फैमिली बॉम्बे में रहती है। हाँ तो हम इलाहाबाद में रहते हैं, तो हम मतलब कि सुबह यहाँ 6 बजे आए। और बाकी ये सब हम लोग को जानकारी यही सुबह में हुई 3-4 बजे के आसपास में, इसके पहले उनको जानकारी नहीं थी। अब इनकी इसकी उम्र 6 है, उसकी 5 होगी, 6-5 हैं जी। अब उनके चाचा जी? हाँ महेश कुमार के चाचा। हमारे साथ महेश कुमार के चाचा जी थे जिन्होंने बताया कि महेश जी पिछले सोमवार को ही अपने ड्यूटी के लिए जम्मू एंड कश्मीर पहुंचे और कल आतंकी हमले में वो अपनी जान गंवा दिए। ईटीवी भारत से सुमित यादव प्रयागराज।